नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यूं तो कई महीने से चलने के लिए तैयार है, उसको लेकर अलग अलग डेट भी आई सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन आज तक नहीं चल पाई है। और आज हम आपको बताएंगे कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू होने में अभी कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि इसमें कई अड़चन जो है वो आ रहे हैं। उसी अड़चन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो पर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो पटना से रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की राह में 38 अवैध रेलवे क्रॉसिंग फाटक रोड़ा बना हुआ है, और पटना से गया के बीच 92 किलोमीटर की इस रेल सफ़र में जगह जगह रेलवे ट्रैक से होकर रास्ता बना लिया गया है। इससे हर समय हादसे की संभावना जो है वो बनी रहती है। इस रूट पर अप लाइन में जहां 21 अवैध रेलवे क्रॉसिंग है, वहीं डाउन लाइन पर इनकी संख्या 17 है। यानी कि एक ट्रेन को पटना से गया केवल एक फेरा लगाने में 38 बार घोषित खतरे से होकर गुजरना पड़ता है। और इस अवैध क्रॉसिंग से लोगों का पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और अन्य छोटे मोटे वाहनों का धड़ल्ले से आना जाना होता रहता है। कई बार इस रूट पर चल रही ट्रेनों से इन क्रॉसिंग के पास हादसे भी हो चुके हैं। और हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे के GM अनुपम शर्मा ने पटना से गया के बीच रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर संरक्षा पहलुओं और अन्य तकनीकी पक्षों की जांच भी की है। रेलवे सूत्रों की अगर माने तो वंदे भारत चलाने की जोर शोर से तैयारी चल रही है, और इसी बीच अवैध रेलवे क्रॉसिंग को लेकर संरक्षा के लिए जो है एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे की ओर से जागरूकता अभियान और RPF की सक्रियता बढ़ाकर इन अवैध रेलवे क्रॉसिंग को कम करने की तैयारी है। तो पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अभी कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 38 रेलवे क्रॉसिंग को अभी रेलवे किस तरह से लेगी, वहाँ पर क्रॉसिंग फाटक बनाया जाएगा या फिर किस तरह का निर्णय लेगी, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अभी लग रहा है कि टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।